आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार की तरफ से केंद्र को सिफारिश भेजी गई है सीबीआई जांच की मांग इस मामले पर हो, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने अब जांच तेज कर दी है। ईडी वीआर चक्रवर्ती के सीए से इस वक्त पूछताछ कर रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि किस जगह है ये पूछताछ का सिलसिला ये जानकारी नहीं है, मुंबई की कोई अनजान जगह बताई जा रही है जहां पर ईडी की टीम रिया के सीए से पूछताछ कर रही है। सुशांत के वकील से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है और कल रात ही यह खबर आई थी कि अब ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार आगे बढ़ेगा। अभिषेक इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वकील से पहले पूछताछ हुई, अब सीए से पूछताछ, जिस तरीके से ईडी की तरफ से जानकारी पहले भी थी कि रिया के साथ साथ उसके करीबियों पर, उसके परिवार के खर्चों पर पूरी नजर रहेगी, और अब समझे कि ईडी का शिकंजा कसता हुआ, कोई जानकारी है क्या पूछताछ कहां हो रही है, किन किन मुद्दों पर पूछताछ हो रही है? देखिए, जो पहले जानकारी थी कि ईडी की अपने दफ्तर ने बुला के पूछताछ करने वाला था, क्योंकि बरसात मुंबई में तेज हो रही है तो बरसात की वजह से जगह बदल दिया गया है और जगह बदलने की वजह से अनजान जगह पर इस वक्त पूछताछ हो रही है, उस बारे में जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन रिया के जो सीए हैं वह तमाम बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं जो सुशांत के सीए थे संदीप श्रीधर, उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी। कई घंटों तक पूछताछ के बाद कई सारे ऐसे बातें सामने आए जिसके वजह से ही ईडी ने रिया के सीए को बुलाने का फैसला किया और रिया के सीए से आज पूछताछ किया जा रहा है। यानी साफ है कि जिस तरीके से पूरा मामला लगातार चल रहा है उसमें कई सारे बड़े खुलासे आज होने वाले हैं और लगातार ईडी को इस बात की जानकारी लग चुकी है कि बड़ा घोटाला इसमें हुआ है, बड़ा मामला है। और आपको बता दूं जो जानकारी मेरे पास है, सूत्रों द्वारा जानकारी है कि जो अब तक हम आप समझ रहे हैं 15-18 करोड़ का मामला है, उतना नहीं है। यह मामला करीब पहुंच चुका है 50 करोड़ के आसपास, यानी 50 करोड़ का हेराफेरी का आरोप है रिया एंड चक्रवर्ती फैमिली पर और उस पर लगातार ईडी जांच कर रहा है। इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है, ईडी ने पूरे मामले एफआईआर करने के बाद लगातार जानकारी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में और लोग भी इस पूरे मामले पर आएंगे, फंसेंगे और अन्य लोगों से भी ईडी पूछताछ करने वाली है। आप देख ही रहे हैं कि पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई यानी पूरा का पूरा मामला सेंट्रल एजेंसी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी। जो जो लोग भी इसमें नेक्सस हैं, जो नेपोटिज्म की बात करें, गैंगवार की बात करें, जो गैंग था या नेक्सस था, हर एंगल पर अब ईडी हो या सीबीआई हो बड़े पैमाने पर पूछताछ करेगी, क्योंकि इतने दिनों से आप देखिए 50 दिनों से लगातार मांग की जा रही थी कि सही तरीके से न्याय मिले, सही तरीके से जांच पड़ताल हो। वह शायद पहले हो गया होता तो शायद ईडी या सीबीआई नहीं आती, मुंबई पुलिस जांच करती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं हुआ, वजह यही रहा कि सीबीआई को सौंपना पड़ा और ईडी इस पर मामले में आ गई है सामने और ईडी ने अपने मीडी पूरे फुल एक्शन में आ चुकी है और जांच पड़ताल तेज कर चुकी है, लोगों से पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है। अभिषेक, मुझे बताइएगा, अभी फिलहाल सीए से पूछताछ चल रही है, इससे पहले रिया के वकील से भी पूछताछ हुई है, वकील से पूछताछ में कोई क्लू ईडी के हाथ लगा है क्या? देखिए, जो पूछताछ में जरूर बिल्कुल क्लू बहुत हाथ लगा है। देखिए, बिहार पुलिस लगातार, आपको बता दूं, जैसा क्लेम कर रही थी कि उन्होंने तमाम जानकारियां उनके हाथ लगी है। अभिषेक, बहुत बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अभिषेक ने कहा कि जो मामला 15 करोड़ का लग रहा था वो 15 करोड़ नहीं है। अभिषेक के सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब 50 करोड़ की हेराफेरी है, 50 करोड़ रुपए रिया की तरफ से निकाले गए, खर्च किए गए या फिर इन्वेस्ट किए गए 50 करोड़ के। इस मामले में ईडी लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। ईडी पहले रिया के वकील से पूछताछ कर चुकी है और अब ताजा जानकारी जो ये अभिषेक बता रहे थे कि बारिश की वजह से जगह बदली गई है, ईडी पहले ऑफिस में पूछताछ करनी थी, अब अनजान जगह पर सीए से पूछताछ हो रही है और सीए कई बड़े खुलासे कर सकता है इस मामले में। जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो अस्वाभाविक मौत है उसका रहस्य अभी तक उलझा हुआ है, सुलझा नहीं है। लेकिन इस मामले के सीबीआई के पास जाने पर सुशांत के भाई और बिहार के मधुबनी से विधायक नीरज सिंह काफी खुश हैं। उनकी माने तो अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। नीरज बबलू इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज बबलू जी, अब कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद तो जगी होगी कि शायद
जांच सही दिशा में जाएगी जब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है तो? जी बिल्कुल, एक दिल को तसल्ली मिली है और एक उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से अब ये मामला सीबीआई अगर जांच करती है तो सही दिशा में जांच होगी और जो दोषी है वो सामने आएगा। देखिए, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे शुरू के दिनों से कि इस मामले को सीबीआई को भेजना चाहिए और कल हमने विधानसभा में, मेरी पत्नी ने विधान परिषद में, दोनों जगह हम लोगों ने आवाज़ उठाई, सभी सदस्यों ने समर्थन किया और हमारे माननीय नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, नित्यानंद जी, सबों ने एक सुर से हमसे बात भी किया उसके बाद, और सबों ने फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात किया कि जब इतना गंभीर मामला है तो इसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी हमारे शाम को लंबी बातें हुई तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम इसको गंभीरता से देख रहे हैं, और सुबह जब पता चला कि मामले को सीबीआई को दे दिया गया तो मुझे दिल से तसल्ली हुई कि अब इस मामले का निश्चित रूप से निष्पक्ष जाँच होगा। हम अपने नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतने गंभीर मामला को और पूरे लाखों लोगों के भावना को कद्र करते हुए सीबीआई को सौंपा है, हम दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, ज्यूरिसडिक्शन का मामला बता करके यहाँ तक हुआ कि हमारे एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया, बाकी के साथ जो व्यवहार हुआ जांच में उनके क्या निकला किसी को नहीं पता। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही लाइन और लेंथ लेकर के इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया था और वो था ओपन एंड शट केस की तरह। देखिए, मुंबई पुलिस इस केस में कुछ नहीं किया। सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके वो उनको किसी न किसी पर आरोप अगर लगता है उसके बाद जांच होती है, लोगों का नाम लाना चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू करना चाहिए और सबसे पहले उस जगह को सील करना चाहिए, उस कमरे को सील करना चाहिए जहां घटना घटी। पूरा देश देख रही थी कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है और बिहार पुलिस गई, एक ही दिन में बहुत सारा चीज़ जब इकट्ठा कर ली तो उन्हें लगने लगा कि बहुत सारा पोल पट्टी खुल जाएगा और उसके चेहरे से बेनकाब हो जाएगी महाराष्ट्र पुलिस। तो उन्होंने पुलिस को डिस्टर्ब करने का काम किया, क्वारंटाइन कराने का काम किया आईपीएस अधिकारी को, चाहते हैं पूरा परिवार। तो शुरुआती दौर से भी जो है मुंबई पुलिस को बताया होगा चीजें, अपनी आशंकाएं व्यक्त की होंगी, तो उसका कोई संज्ञान नहीं लिया किसी ने? निश्चित रूप से फरवरी महीने में भी उन्हें व्हाट्सएप के जरिए कुछ मैसेज दिया गया था कि आप इसे संज्ञान में लें और इस पर ध्यान रखें, कार्रवाई कर सकते हो तो कार्रवाई करें। ये थोड़ा और प्रकाश डालें, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इनके पिताजी ने भी इस तरीके की बात कही। सूचना दिया गया था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वहां के अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था परिवार की तरफ से, उस इंफॉर्मेशन पे कोई काम नहीं किया। और वो इंफॉर्मेशन थोड़ा डिस्क्लोज कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन यही था कि कहीं ना कहीं सुशांत को कुछ लोग वहां घेरने का प्रयास कर रहे हैं, डाइवर्ट मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ उसके साथ अच्छा नहीं, उनके दिमागी हालत को खराब करने में लगे हुए हैं। आशंका, जो एक आशंका होती है एक परिवार से दूर करने का, कुछ लोग उसमें। ऐसा क्यों लगा था, थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि शायद तफ्तीश में भी काफी बातचीत से, जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत से कहीं न कहीं एक दूरी बीच में बढ़ी थी जिसके वजह से ये शंकाएं सामने आई, तो इन्फॉर्म किया गया और उस इन्फॉर्मेशन पर भी पुलिस ने कोई नोटिस लेने का काम नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच से पूरा देश संतुष्ट महसूस कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार अभी भी मुंबई पुलिस से ही इस मामले में जांच की बात कर रही है। पहले दिन से मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने का काम बिहार से हो रहा है और कुछ असामाजिक तत्व भी जो बिहार में बैठे हैं उनको लगता है कि उसकी राजनीति अगर करे तो बिहार के चुनाव में काम चल जाएगा। नीतीश कुमार जी एक वरिष्ठ नेता है, सीजन पॉलिटिशियन है, समझना चाहिए क्या चाहते हैं, रहस्य क्या है कि बार बार सीबीआई को दीजिए सीबीआई को दीजिए, क्या सीबीआई को इतना ही काम है क्या? अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि आप संवेदनाहीन हो गए हैं। मुंबई की पुलिस, उनको एक प्रतिष्ठा है पूरे वर्ल्ड में, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है, ये महाराष्ट्र है और यहां कानून से ऊपर किसी को अब तक ये सरकार ने महत्व नहीं दिया। कानून बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई।
सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई से जांच के बाद अब पूरे बिहार में भी संतुष्टि महसूस की जा रही है। सीबीआई इस मामले में जांच करेगी तो सच सामने आएगा। इस बारे में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच सीबीआई कोर्ट की निगरानी में हो। यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अब अनुशंसा की जा रही है सीबीआई के द्वारा तफ्तीश की, संतुष्ट हैं या कुछ और मांगे हैं आपकी? आप तो इस मामले में शुरुआत से ही मुखर रहे हैं, लगातार आप मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। हम लोग उनके परिवार से भी मिले, शिखर चुम्बन आए थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और हम ये भी कहते हैं अभी तो अनुशंसा की जा रही है तो बेहतर होगा कि सीबीआई के साथ साथ जो है आपका कोर्ट मॉनिटर्ड जो जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को एक टाइम बाउंडिंग के अंदर न्याय मिल सके। और मॉनिटर्ड क्यों कह रहे हैं और क्या होगा कोर्ट मॉनिटरिंग में? कोर्ट मॉनिटर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई के पास काफ़ी केसेस हैं, और हमने कल भी बिहार विधानसभा में ये भी मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो फिल्म सिटी जो राजगीर का बन रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे कर देना चाहिए। बिहार पुलिस के साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति है? बिहार की पुलिस मुख्यमंत्री के दबाव में राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही। हम बार बार कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे थे सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और जिस तरीके से बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं, न्याय की नहीं, ये लोग अपना अलग करते रहे। बेहतर होता कि भाई पहले ही सीबीआई जांच कर दी होती, दोनों मिलकर के जो सीबीआई की अनुशंसा कर देते। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, और ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि सीबीआई इस मामले में जांच करेगी तो फिर सुशांत की मौत का सच और वो राज सामने आ पाएगा। लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी कि क्या मुंबई पुलिस अगर चाहती तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जान बच सकती थी? क्या सुशांत के परिवार के व्हाट्सएप संदेश पर मुंबई पुलिस का एक्शन नहीं लेना सुशांत की जिंदगी पर भारी पड़ गया? इस केस में दरअसल सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर सीधे सीधे लापरवाही और शिकायत की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट से आप समझिए। फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, केस सुलझने की बजाय उल्टा उलझता ही जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के बयान से सुसाइड मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने बयान दिया है कि मुंबई पुलिस को उन्होंने 25 फरवरी को ही आगाह कर दिया था कि उनके बेटे सुशांत की जान को खतरा है, उनके बेटे की मुंबई में हत्या हो सकती है। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 14 जून को सुशांत की खुदकुशी के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी। तमाम बॉलीवुड हस्तियों समेत 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन सुशांत के पिता का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया है जिनके नाम उन्होंने 25 फरवरी को व्हाट्सएप के जरिए की गई शिकायत में बताई थी। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मुकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस की उल्टी जांच से थक हार कर पटना में एफआईआर दर्ज करवाया। तब से पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच खींचतान चल रही है। आलम यह है कि पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटीन कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। 25 फरवरी के व्हाट्सएप के जरिए जो शिकायत बांद्रा पुलिस को भेजी गई थी उसमें भी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का जिक्र है। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत से जुड़ने के कुछ दिन बाद वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई, ये दिखाते हुए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत की मदद कर रही है। एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में सुशांत को रिया और उसके परिवार वाले लेकर गए और कुछ महीने रुके। उस वक्त से वो सुशांत को और उसके कारोबारी मामले को मैनेज कर रही हैं। वहीं से हालात बिगड़े।
जब से पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची है तब से रिया और उनके भाई शौविक सामने नहीं आए हैं। 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को भेजे गए व्हाट्सएप में सुशांत के रिश्तेदार ने जो आरोप लगाए हैं उससे रिया पर शक और गहरा होता जा रहा है। जब मामला हाथ से बाहर निकल गया तब सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया। वो हमारे साथ 2-3 दिन रहा और फिर शूटिंग की वजह से वापस लौटा। पर सुशांत के लिए वफादार रहे उसके टीम के सदस्यों को रिया ने निकालना शुरू कर दिया और उसकी जगह अपने पसंद के लोगों को लगवाया, जहां से हालात बिगड़ गए। सुशांत के परिजनों ने 25 फरवरी को भेजे गए व्हाट्सएप में इतना तक बांद्रा पुलिस को लिखा था कि वो गलत ग्रुप में फंस गया है, फिर भी पुलिस ने उस ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। सुशांत की तीसरी बहन दिल्ली में रहती हैं और पेशे से वकील हैं। सुशांत के पास आती जाती रहती थीं। उन्होंने अंदेशा जताया कि वो लोगों के ग्रुप में फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। उधर सुशांत के पिता के आरोपों पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आज के सिंह पिता सुशांत सिंह राजपूत ने बयान जारी कर 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस में शिकायत की बात कही है। ये साफ किया जाता है कि ऐसी कोई लिखित शिकायत उस तारीख को बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की गई। हालांकि आईपीएस ओपी सिंह, जो रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, उन्होंने इस मामले में डीसीपी जोन 9 व्हाट्सएप संदेश भेजा था। तत्कालीन डीसीपी जोन 9 ने ओपी सिंह को फोन पर लिखित शिकायत करने की बात कही। हालांकि ओपी सिंह इस मामले को बिना शिकायत सुलझाना चाहते थे, जिसे डीसीपी जोन 9 ने मानने से इनकार कर दिया। उधर रिया और सुशांत के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बयान दिया है कि उसके परिवार के लोग सुशांत के दोस्तों से खुश नहीं थे। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत का केस सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच में रोड़े अटका रही है, इस केस का निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मतलब सुशांत के रहते हुए भी सुशांत के परिवार की तरफ से शिकायत की गई थी, कहा गया था कि सुशांत की जान को खतरा है, तब भी मुंबई पुलिस ने कोई सुध नहीं ली और अब सुशांत की मौत के करीब 50 दिन बाद भी मुंबई पुलिस न जाने किस दिशा में जांच कर रही है, जो जांच के बाद भी अब तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा। ऐसे में सीबीआई जांच क्यों ना हो, सीबीआई जांच होगी तो सच का सच और झूठ का झूठ सब सामने आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग, जो सिफारिश है वो केंद्र को भेजी गई है। अब जब सीबीआई इस मामले पर जांच करेगी तो महाराष्ट्र की सरकार और बिहार सरकार के जो तलखी है, बीच की जो तनाव है, वो भी दूर होगा और जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच असल में जो पूरा मामला है ये तूल इसलिए भी पकड़ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी के केस को दबाना चाहती है। बताया ये भी जा रहा है कि बिहार पुलिस सुशांत केस की जांच करते हुए दिशा केस तक पहुंच चुकी है, दोनों केस में जुड़े तार तलाशने की कोशिश भी की है। लेकिन सुशांत केस से जुड़े अलग अलग पहलू पर जब सवाल पूछे जाने लगे तो मुंबई पुलिस कमिश्नर भड़क गए और मीडिया के सवालों का तसल्ली भरा जवाब देने के बजाय कुर्सी छोड़कर ही उठ गए। पत्रकारों के सवालों पर पुलिस कमिश्नर ने आपा खो दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही खत्म कर दी, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद रह गए। सबसे अहम सवाल है कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह खुदकुशी केस में कोई लिंक है? दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, कोई लिंक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लिंक दिखता भी नहीं है एंड दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। दिशा ने 8 जून को 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। आरोप है कि उससे पहले वो पार्टी में थी जिसमें एक बड़े नेता का बेटा मौजूद था और उसे बचाने के लिए ही मुंबई पुलिस केस पर पर्दा डाल रही है। दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में किसी पॉलिटिशियन का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया। There is no evidence against any politician of any party in both the investigations. मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दिशा केस का सुशांत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी केस के सिलसिले में जब बिहार पुलिस मुंबई पुलिस के पास गई तो पहले मुंबई पुलिस ने सहयोग किया, उनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन अचानक एक फोन आया जिसके बाद मुंबई पुलिस का रवैया बदल गया। बिहार पुलिस को कहा गया कि दिशा केस से जुड़ा फोल्डर कंप्यूटर से डिलीट हो गया है। बिहार पुलिस ने कहा कि वो लैपटॉप से फोल्डर हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लैपटॉप नहीं दिया गया। बिहार पुलिस से दिशा के घरवाले भी नहीं मिले। शक यहीं से और गहरा गया। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर साफ कह रहे हैं कि दिशा केस की जांच अभी जारी है, यानी फाइल डिलीट नहीं हुई है, तो फिर बिहार पुलिस को उसके दस्तावेज सौंपने में परहेज क्यों है? और यही रवैया सुशांत केस में भी अपनाया जा रहा है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए
वो अभी हमें नहीं मिला है। जैसे हमारे पास FSL की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास PO की कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की वीडियोग्राफी नहीं है, CCTV फुटेज वहाँ के नहीं है। मुंबई पुलिस ने किससे किससे क्या इंट्रोगेशन किया है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है उसकी जानकारी नहीं है। मतलब जहां बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस सहयोग करती, दस्तावेज सौंपती, वहां बिहार पुलिस को साइड में कर दिया गया, किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। दिशा सालियान के बारे में तो जब पूछा गया तो कमिश्नर ही भड़क गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ छिपाना चाहती है मुंबई पुलिस और क्या किसी के कहने पर यह हो रहा है। सच्चाई जल्दी सामने आएगी, ऐसा हमें विश्वास है।